के न्यूज खबरों की नई पहचान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपने अपने घर पर पार्टी का झंडा फहराया। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर से ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इसी क्रम में विधायक राज सिन्हा ने आवासीय कार्यालय परिसर में पार्टी का झंडा फहराया एवं पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 40 वर्षों के अपने काल में भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष शुरू किया और आज इस जगह पर पहुंचा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया। आज यह गौरव है भारतीय जनता पार्टी के पास कि विश्व के सर्वाधिक सर्वमान्य नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्थापित हो चुके हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष चल रहा है, जिस प्रकार से कल नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को कि एक दिया सब लोग जलाएं, इसको भारत न केवल भारतवर्ष विश्व के कई एक राष्ट्रों ने अपना समर्थन दिया भारत की तरफ। पूरा विश्व आज के दिन में देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। भारत के जनता कर्फ्यू को विश्व ने सराहा, इस ताली बजाने के अभियान को जो मोदी जी ने आह्वान किया था उसको पूरे विश्व ने सराहा और कल दीप जलाने के अभियान को भी पूरे विश्व ने सराहा है और विश्व ने स्वीकार किया है। यह गौरव एक साधारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो एक चाय बेचने वाले के रूप में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, वो आज भारत का प्रधानमंत्री तो बना ही है, साथ साथ पूरे विश्व को एक राह दिखाने की तरफ चल पड़ा है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति, सिद्धांत, संस्कार, क्रियाकलाप का ही परिणाम है। और इसलिए आज के दिन हम अपने हमारे मार्गदर्शक संस्थापक